हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। सो ये अपना कमिस्ट्री का यूनिट वन पार्ट थ्री हैगा। ये आप गल वॉल्यूम की मेजरमेंट तो ही शुरू की आ, क्योंकि वॉल्यूम की मेजरमेंट के बहुत कन्फ्यूजन होंगे, इसलिए कोशिश करनी आ स्टूडेंट्स ने कि रोज़ ही वह ये वाली जड़िया चीज़ा आ इन्हों लिखन, ताकि दिमाग में ऑटोमैटिक बह जाए, हर वेले हिसाब ना लाना पवे कि कितों आया कि होया। सो जिदा अपने को एक ML जिहड़ा हैगा, एक मिली लीटर जिहड़ा हुंदा वो एक सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये तो लिखण दा तरीका आ। बेसिकली इहदा कोई रोल नहीं हैगा, इह तुहानू लिखदे आ मज़े 1 सेंटीमीटर क्यूब हुंदा वा। तो 1 लीटर जिहड़ा हुंदा वा वो 1 डेसीमीटर क्यूब हुंदा वा। ये आपां याद रखनी है गल, 1 लीटर दे विच 1000 मिली लीटर हुंदे, क्योंकि मिली जिहड़ा हैगा 1/1000 हुंदा, 1000 1000 कट्टिया गया तो लीटर ही बचा। सो मिली तो भाव जिहड़ा हैगा, सो मिली मैंने 1/1000 हुंदा, 1/1000। सो इसलिए वैन यू राइट ML 1000 ML, तो फिर 1000 × 1/1000 तो 1000 1000 कट्टा गया, लीटर ही बचा। सो बेसिकली सो देयरफॉर 1000 ML जिहड़ा हैगा, 1000 ML जिहड़ा वो 1 लीटर के बराबर बनता हैगा। मिली लीटर का नाम सेंटीमीटर क्यूब भी हैगा वा, इस करके मिली लीटर जिहड़ा हैगा L बड़ा पाया, ये गल्लां ध्यान रखनिया। M मिली का M छोटा पाया तो L बड़ा पाया, सो L कैपिटल आ, M छोटा आ, सो M समाल आ तो कैपिटल आ। सो मिली लीटर 1000 मिली लीटर जिहड़ा बेसिकली 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हुंदा। 1 मीटर जिहड़ा हुंदा 10 डेसीमीटर हुंदा, इह बेसिक डेफिनेशन आ ए वाली 1 मीटर की। जे आपां इहदे सब मल्टीपल दे विच लिखिए, मीटर की लंबाई की डेफिनेशन है, एक लंबाई नापना होवे तां जे 1 मीटर कह सकते हैं उहनूं 10 डेसीमीटर कह सकते हैं, जां 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। हुण इहदा आपां जे क्यूब कर दईए, मतलब 3 वारी गुणा कर दईए, 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर, 10 डेसीमीटर × 10 डेसीमीटर × 10 डेसीमीटर, तो मतलब जिद्दां आपां लिखिए भी 10x × 10x × 10x लिखिए, तो फिर यह बनूगा 10 3 वारी, मतलब 10 की घात 3 तो x की घात भी 3। सो इस तरह इतने 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर 3 वारी करांगे तो 10 की पावर 3 तो डेसीमीटर की पावर भी 3 आऊगा। सो 1 मीटर की पावर 3 जे करिए आप क्यूब करिए, मतलब यदा क्यूब करिए क्यूब, सो असी क्यूब किया मतलब 3 वारी गुणा किया इन्हों, तो इतने 100 सौ 3 वारी गुणा करांगे तो 100, फिर 2 जीरो होर, 2 जीरो होर। सो इस तरह ये 1,00,000 बन जाता, तो सेंटीमीटर की घात 3 या पावर 3 बन जाती है। सो 1 मीटर क्यूब जिहड़ा हैगा वो 10^3 डेसीमीटर क्यूब तो 1,00,000 सेंटीमीटर क्यूब बन गया इस फार्मूले तो, एक लाइन तो ही। सो हुण जिहड़ा 1 मीटर क्यूब है तो अगे आपां जे लिखिए, तो आप इतने की पढ़िया कि जिहड़ा 1 लीटर आ वो डेसीमीटर क्यूब के बराबर आ, मतलब आ वाली गल बहुत इंपोर्टेंट आ, 1 लीटर जिहड़ा वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर आ। इहदा मतलब आ कि आह जिहड़ा 10^3 आ 1000 बनिया, तो आ वाले आप 1000 × 1000 लिख लिया, तो 1 डेसीमीटर क्यूब का नाम की आ लीटर। यदा मतलब 1000 लीटर जिहड़े आ 1 मीटर क्यूब के बराबर बन गए, तो 1000 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ, यद 1000 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हुण आ भी 1000 लीटर आ, 1000 गुणा आ चीज़ आ, यदा मतलब 1 लीटर का बराबर बन गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। सो 1000 cc जिहड़ा वो 1 L के बराबर आ, सो 1 L इज इक्वल टू 1000 1000 cc। सो आपां एक बारी बारी कभी cc लिखा होया तुहानू किताब च मिलेगा, कभी लीटर लिखा होया मिलेगा, कभी सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, कभी मीटर क्यूब मिलेगा, कभी डेसीमीटर क्यूब मिलेगा। सो ये कन्फ्यूजन ना होवे, इसलिए कोशिश करो कि जिन्नी देर तक तुहानू ऑटोमैटिकली दिमाग च छप नहीं जाता, उन्नी देर ये जी कन्वर्शन जी हैगी इहनू बार 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 करते रहो। ये पिछले वीडियो च भी आपां ये गल कीती सी। सो इस करके वॉल्यूम दे उपर काफ़ी जोर दिओ कमिस्ट्री दे विच, इहदियां यूनिट दी कन्वर्शन ते होर। नाओ यू हैव टैंपरेचर, हुण टैंपरेचर की आप गल करते हैं, कमिस्ट्री में टैंपरेचर की काफ़ी लोड़ पैनी आ। सो टैंपरेचर के लिए असी की किया, असी 3 थर्मामीटर बनाए इको कंपनी में, इको डिजाइन के 12 मरकरी भर के। सो थर्मामीटर के मरकरी भरिया होंदा वा, मरकरी पारा जिन्हों आप कहने। सो मरकरी HG यदा सिंबल हों मरकरी का, सो हाइड्रोगायरम, सो इतों बनता HG। तो असी ये तिने ही जड़े सके इन्हों एक बारी बर्फ च डोब दिता,
बर्फ जिते सी बर्फ का क्रश करके बर्फ लै ली एक भांडे बड़े भांडे तो तीनों थर्मामीटर की जो भी आप बनाने आप बनतर च नहीं पैना थानू पता कि एक इतने बल्ब हों कैपलरी ट्यूब होंगी आ कच की पाइप के कैपलरी ट्यूब पा दी एटसेट्रा सो उस चक्कर ना पै के अभी तीन थर्मामीटर है साढ़े को असी उन्होंने तिना थर्मामीटर बर्फ के एक जगह पर जिते बर्फ आबता जो असी तिना बर्फ डोबता सेम सेम कंपनी ने सेम तरीके सेम थर्मामीटर आ तिना दे वाला जरा मरकरी का निशान आ इस थान पर सैट हो जूगा ग्राउंड बिल्कुल जीरो डिग्री मतलब जिन्होंने आप कहने मतलब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बर्फ जो पानी आ जम गया तिना थर्मामीटर मरकरी इतने आऊगा इतने असी एक निशान ला देंगे फिक्स निशान इतने पक्का निशान ला देंगे भी इतने बर्फ जी जम गई सी लिखा कुछ नहीं इतनी हमने तिना थर्मामीटर लवेंगे पानी उबलते हुए पानी के रखा तो असी देखा कि जोड़ा पानी दे गर्मी के नाल जो थर्मामीटर पारा सी मरकरी सी वो इस लैवल तक पहुँच गया तिना सेम लैवल तक पहुँच गया तो ये मतलब जो बॉयलिंग पॉइंट का निशान आ तिना थर्मामीटर इतने पहुँचूगा हुण असी की किया हुण तो साडी मर्जी आ कि मैं इत्थे 10 लिख लां ते इत्थे मैं 500 लिख लां भी मैं इहदे इन्ने टुकड़े करने आ इहदे हिस्से इन्ने करने आ ते एक स्टैंडर्ड तरीका की है कि आपां डिग्री सैलसीयस जां सेंटीग्रेड दे विच गल करदे आ डिग्री सैलसीयस इत्थे डिग्री पा के सी वड्डा लिखी दा तो आप कहने कि 0 डिग्री सैलसीयस निशान हुंदा जिथे बर्फ जमदी आ 100 डिग्री सैलसीयस ते पानी जिहड़ा हैगा उह उबलदा हैगा तो जदों असी फारनहाइट की गल की तो वह आप कि 32 डिग्री फारनहाइट के उपर पानी जोड़ा हैगा बर्फ बनती है तो 212 डिग्री फारनहाइट से जोड़ा पानी आ उबलन लग जाता ये निशान इदा लाए है कैलविन वाले के बड़ा पाना इस डिग्री नहीं पानी कैलविन सबूता पूरे अखर लिखने तो के छोटा पाना एक गल ध्यान रखनी आ कैलविन का आ वाला के जड़ा है वह छोटा पाना है तो के बड़ा पाना है क्योंकि एस आई यूनिट के गल का बहुत ध्यान रखना फारनहाइट जो एस आई यूनिट नहीं है इसलिए वो आप इतने ध्यान नहीं रखे एफ पाया छोटा पाया बड़ा पाया क्योंकि आम वरतों वाले चीज़ा है इसमें वरतते हैं डॉक्टर आम करके जो बंदा बीमार होंगे कहते 101 बुखार आ वो 101 बुखार ये वाले थर्मामीटर नापता फारनहाइट वाले ना ये ना नहीं नापता ये ना नहीं नापता वो आ वाले थर्मामीटर नाप के थानू दसदा वा कि बुखार आ सो आप इतने सैलसीयस 100 टुकड़े 0 तो लैके 100 तक इतने फिर 1, 2, 3, 4 इदा करके 100 टुकड़े किए मतलब 100 निशान लाए ये 100 कैलविन असी की किया असी क्या भी 273.15 जोड़ा है कैलविन मतलब आ जो 0.15 ना हुंदा है पर आप आम प्रैक्टिकल यूजली इनू छड्ड दिने हुंने आ इन इन इंपोर्टेंस नहीं देंगे आम हालातों में पर यह हों इतने जोड़ा बनया बर्फ पानी उबल गया 373.15 कैलविन से उबल गया ये फिर आ 0.15 आप स्किप कर दें होंने पर यह हों बिल्कुल सही हिसाब लाना है तो 0.15 का हिसाब भी रखना पैना हमने 273.15 कैलविन 373.15 इन्हों कि फर्क आ देखो इतने भी 100 का फर्क आ यदा मतलब इतने भी 100 निशान लगे इस 100 ये भी 100 टुकड़े किए मतलब 100 ये भी 100 टुकड़े हुए डिग्री सैलसीयस के यदा मतलब ये दो निशान जोड़े मान लो आ वाले दो निशान हो वाले दो निशान मान लो आप करिए जे आप कही कि है मान लो 10 तो आ है 11 तो इतने शुरू होया 273 तो गिनती शुरू हुई जिथे आप 0 तो गिनती शुरू की टुकड़े ये भी 100 ही किए आ तो फिर 283 तो 284 बनूगा 0.15 भी नाल आप 15 नूं स्किप कर लें मैं बार बार 15 नहीं बोलूँगा यदा मतलब आ वाली जी दूरी आ वाली दूरी आ डिस्टेंस आ जोड़ा इतने भी 1 डिग्री सैलसीयस है इतने 1 कैलविन आ 1 कैलविन मतलब 1 कैलविन की दूरी 1 कैलविन का डिफरेंस तो 1 डिग्री सैलसीयस का डिफरेंस बराबर आ एक गल ध्यान रखनी आ ये भी 100 टुकड़े आ ये भी 100 टुकड़े आ यदा मतलब 1 डिग्री सैलसीयस जोड़ा है 1 डिग्री सैलसीयस वो 1 डिग्री कैलविन का जोड़ा डिफरेंस इक्वलेंट आ 1 कैलविन के फर्क दे जे 1 कैलविन तापमान का फर्क पिया सो डेल्टा टी जिन्हों आप कही भी डेल्टा मैंने हों फर्क पैना जे तापमान 1 डिग्री सैलसीयस का फर्क पिया तो वह उन्ना ही फर्क पिया जिन्ना 1 कैलविन का फर्क पिया सो ये जो फर्क आ वो सेम ही रहना है वा सो ये फर्क जोड़ा है 1 डिग्री सैलसीयस का तो 1 कैलविन का सेम ही रहा वा हाँ फारनहाइट में देखो 32 डिग्री तो 212 180 टुकड़े किए 180
इतने जो निशान लाए 180 निशान आ ये दे चो तो 212 चो 32 घटा के देख लो 180 यदा मतलब तुम एक चीज़ के 10 टुकड़े करते एक चीज़ के 20 टुकड़े करते हैं मान लो ये आह मान लो 4 टुकड़े किए है ना यही चीज़ के तुम जोड़े है ज़्यादा टुकड़े कर लो आ टुकड़े मान लो इदा यदा हूँ एक टुकड़ा देखो जेदे ज़्यादा टुकड़े आ जेदे घट टुकड़े आ वो आ बड़ा तो आ छोटा वा यदा मतलब ये 180 टुकड़े आदा मतलब यदा एक टुकड़ा जोड़ा है आ वाला हिस्सा जोड़ा जिन्हों एक एफ कहोगे वो जोड़ा एक एफ आना वो ये नालों छोटा आना आ क्यों क्योंकि ये 100 टुकड़े आ ये 180 टुकड़े आ इस करके ये 180 तक गिनती किनी है सिर्फ 100 तक गिनती किनी आ यदा मतलब एक डिग्री जोड़ा आ वाला दूरी आ एक डिग्री वाली जिन्हों एक डिग्री तुम कहना तो जोड़ा फारनहाइट आ एक डिग्री तो ज़्यादा वो ज़्यादा टुकड़े आ जाने सो ये ज़्यादा फारनहाइट नापे जाने उन्नी देर दे उन्नी जगह दे ठीक है ना सो ये गल मैं लगता समझ लग गई होनी कि ये 100 के जो ज़्यादा टुकड़े आ अपने को मतलब 4 टुकड़े आ तो 8 टुकड़े आ तो 8 टुकड़िया का एक पीस चुकीए तो वह छोटा होना तो यदा एक पीस चुकीए वड्डा होना यदा मतलब यदा आ वाली डिस्टेंस तो यदी आ वाली डिस्टेंस इस मान लो ज़्यादा आऊगा 1.5-2 के करीब यह बन जूगा यह एक ही बनूगा सो य मैं लगता है गल समझ लग गई होनी है क्योंकि ये टुकड़े ज़्यादा वा इतने 180 टुकड़े आ इतने सिर्फ 100 टुकड़े इन दोनों के सो इस करके जेडे ये 100 टुकड़े आ जे ये 4 टुकड़े ये 8 टुकड़े ये 100 टुकड़े आ ये 180 टुकड़े आ तो हम कि टुकड़ा छोटा होगा आ वाला टुकड़ा मतलब यदा एक जड़ा वा वो ये एक नालों छोटा होगा एक डिग्री सैलसीयस बड़ा होगा तो एक डिग्री फारनहाइट छोटा होगा एक डिग्री एक कैलविन जोड़ा है वा जो कह सकते कि एक कैलविन जोड़ा है वा एक कैलविन का फर्क जोड़ा है वो भी असली एक डिग्री फारनहाइट नालों बड़ा ही होगा सो एक कैलविन की दूरी जी एक डिग्री फारनहाइट नालों ज़्यादा होनी आ सो ये वाली गल जी है भी अपने को इंपोर्टेंट है इन आप ध्यान रखना वा हुण इन्हां दी जिहड़ी कन्वर्शन आ तापमाना दी वो किद्दां करनी आपां ने सो आपां की करते हुंदे आ कि जिहड़ा कोई कन्वर्शन आ मान लो आपां इहदे च लिखदे आ कि जिद्दां फारनहाइट माइनस 32 बटा थले जिहड़ा दोनों का माइनस कर दिए मतलब 212 माइनस 32 तो इदा ही वो कोई तापमान हैगा उही तापमान असी कादे च नापिया मान लो सी च नापिया तो सी चो 0 घटाया बटा 100 चो 0 घटाया तो इदा ही आपां जिहड़ा हैगा एफ चो 32 घटाया तो 212 चो 32 घटाया तो इदी सी चो 0 घटाया तो 100 चो तो इदी के चो 273 हुण 15 की गल नहीं मैं करूँगा बटा 373 चो 273 घटाया सो ए बनिया थोड़े को एफ माइनस 32 बटा 180 ए बनिया सी बटा 100 ए बनिया थोड़े को के माइनस 273 बटा 100 हुण थले बटे बटे जिहड़े हैगे उह 5 दे पहाड़े ते कट्टे जांदे आ तैनूं कट दिओ तो ये थोड़े कोल बन गया पहलों तो 0 उड़ा दिओ 18 आ गया फिर सी बटा 10 आ गया फिर के माइनस 273 बटा 10 आ गया हुण ये 2 दे पहाड़े ते कट्टिया जाऊगा सो ये बन गया 9 ये बन गया 5 ते ये बन गया अपने कोल 5 सो ये फार्मूला ला के तुसीं जिहड़ी कन्वर्शन आ टैंपरेचर दी वो कर सकदे आ सो थैंक यू।